नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के बोध जिला चिकित्सालय में कुछ देर पहले सरदारपुर के स्वास्थ्य केंद्र से एक नवजात को गंभीर अवस्था में धार में लाया गया। यह नवजात सरदारपुर क्षेत्र के राजगढ़ मोहनखेड़ा क्षेत्र में खेत में किसान को मिला। नवजात शिशु मेल चाइल्ड है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि इसकी माँ की क्या मजबूरी रही होगी जो वह अपने कलेजे के टुकड़े को खेत में छोड़कर चली गई। इस नवजात का समय से पूर्व ही जन्म हो गया है। डॉक्टर बर्मन के द्वारा बताया गया कि धार के जिला चिकित्सालय की स्पेशल केयर न्यूबॉर्न यूनिट में इस नवजात का इलाज चल रहा है। बच्चे की स्थिति क्रिटिकल है क्योंकि उसे काफी घंटे तक माँ का दूध नसीब नहीं हुआ, वह समय से पूर्व इसका जन्म हुआ है। देखे खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। नवजात यहाँ पर आया है, क्या स्थिति है उसकी और कहाँ से आया है? ये नवजात शिशु आज दोपहर में 3 बजे के आसपास हम लोगों के पास सीएससी सरदारपुर से आया है और इसको मोहनखेड़ा में खेत के पास किसी एक किसान को, जिनका नाम है गोकुल पिता मांगीलाल मारू और दीपक पिता गोविंद मारू को मिला था। सर, ये कितने घंटे हुए इसके जन्म को? ये आप समझ लीजिए कि 6-7 घंटे का बच्चा है डिलीवर्ड। सर, इसकी स्थिति कैसी है? इसकी स्थिति अभी तो मैं गंभीर बता सकता हूँ। एक तो समय से पहले डिलीवरी हुई है और दूसरा इसका वजन भी बहुत कम है और ऐसे बच्चों को बिना ऑक्सीजन और बिना बाटल के रखना इतनी देर तो और गंभीर अवस्था में पहुंचा दिया है। सर, इस पे धूल मिट्टी या कांटे वगैरह कुछ लगे? इस पे मिट्टी लगी है खेत की, तो इससे ये सो हो रहा है कि ये बच्चा कहीं खेत में मिला होगा और जिस हिसाब से उन लोगों ने बताया हमको ये लग रहा है कि बच्चा खेत में मिला होगा। ठीक है सर, नाम बता दीजिए। डॉक्टर मुकुंद बर्मन, SNCU धार।